यार ये हो गया बहनों मैं। को नहीं छोड़ रहा यार, ये माँ को नहीं छोड़ा, ये बाप को उसने नहीं छोड़ा अपने बहनोई को नहीं छोड़ा, यार। वो अब लड़की को उन्होंने बिठा लिया। अब लगेगी उन्होंने कहा जी लगनी है। वो ऐसे देख के दानियाल 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 तुमने मुझे किस जहन्नुम में डाल दिया है। अब वो एक पुलिस वाला भी ऊपर खड़ा हुआ है। हाँ। उन्होंने क्या क्या तुम लोगों ने कोई दो नंबर किए तो सीधा जेल जाओगे। अब मैं उसे कह रहा हूँ कूल हो जा कूल हो जा, दानियाल बच जाऊंगी दानियाल बच। उसके यकीन करे मैंने हाथ देखे फुल ठंडे। हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, मैं हूं ईशा तारिक और मेरे साथ हैं दानियाल हनीफ और हम वीडियो देखने वाले हैं हर्ष गुजराल की। काफी मतलब मैंने ये देखा, मैंने सजेशन में से वीडियो उठाई है, आए हुए थे काफ़ी कमेंट के माय नेम इज़ हर्ष गुजराल पे रिएक्शन दो, स्टैंड अप कॉमेडी है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमने लास्ट टाइम देखी थी बस्सी की और हर्ष गुजराल की। वैसे हम दानियाल से पूछते हैं दानियाल को कैसे लगते हैं मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन वगैरह, देखी भी है कभी मतलब क्या इंटरेस्ट हाँ, है बिल्कुल मैंने वो देखी हुई है। एक इनकी वो लड़की है वो स्टैंड अप कॉमेडी करती है, मतलब मुझे उनका नाम नहीं आता क्योंकि मैं हाँ शायद वही है वो, मतलब बड़ी गुड लुकिंग लड़की वो है काफी डीप बातें भी करती हाँ है। बड़ी हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ना कभी कभार जब मतलब फ्री टाइम होता है क्रिकेट खेल के चले जाते हैं तो शाम टाइम ना वो देखता हूँ। जैसे पाकिस्तान में स्टेट ड्रामाज हैं वो तो थोड़ा वल्गर हो जाती है और तरह के, वो तो मुझे बहुत बर्गर है। हाँ तो वो चीज़ नहीं, मैं कपिल शर्मा को देख लेता हूँ, वो कभी कभार वो उनकी वीडियो आ जाए तो वो देखता हूँ, वो बड़ी मजे की होती है। कपिल शर्मा शो तो हाँ लेवल है, तो देख लेते हैं। हाँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो काफी मजे की लग रही है, मैंने थोड़ी सी देखी है लेकिन मैंने कहा नहीं रिएक्शन मेरा रियल रिएक्शन चला जाएगा तो वीडियो आप लोगों के साथ ही देखूंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे। माय नेम इज हर्ष गुजराल, नाम बड़ा अच्छा। हाँ पिज्जा गर्म तो नहीं है भाई साहब, आपने गलत जगह रखा हुआ है। मेरा गलत जगह रखा हुआ। नाइस, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग, मजा आ रहा है जिंदगी में? जो मंडे को चुटकुले सुनने तुमको है, चुटकुले सुनने आ गए तो पता मंडे को। कोरोना का हाल क्या कर दिया तुमने, दिल्ली वाले ये भैंचो कोरोना के ऊपर से निकल गए। एक्टिंग अच्छी कर रहा है, दिल्ली वाले है ना कुछ। हमारे कानपुर में तो एक लौंडे को वैक्सीन बोल के रूबजा का इंजेक्शन लगा दिया, कोरोना पता नहीं उसकी शुगर 400 हो गई, पगला गया। आपको वीडियो लेनी है ना, मेरी आंख खींचे प्लीज। हाँ हाँ लो, और बताओ यार ये तो कमाल है। आप 6000 में तो मैं बोल देखता था। I'm born after 3 sisters, अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो ना, क्या करके ये कौन सी औरत थी? अच्छा ये हमें नहीं सुनाई दी, क्या बोलेगा ये? तो वो सब टीवी का करेक्टर नहीं है कोई, ये बाबू जी क्या गले में जलता हुआ कोयला रख लिया क्या? बतख बैठी हुई है। मैं 3 महीनों के बाद पैदा हुआ हूँ, अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो ना, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि मैं इस दुनिया में प्यार की वजह से नहीं आया। है कि नहीं, है ना? अपने माँ बाप की जरूरत ही तो था मैं। नहीं 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 नहीं, बड़ी डीप बात किया उसने। ये क्या चुड़ैले आ रखी हैं? तेरे बॉयफ्रेंड की तो फटी रहती होगी, आधी रात को उठा बेबी 21। तीन बहनों के बाद पैदा हूँ, मेरे बाप मुझे अक्सर कहते हैं कि हर्ष बेटा मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। मैंने मुझे पता है पापा मैं ही तो हार नहीं मानू। अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो तो आपका कंपटीशन घर पे लड़कियों से है ना, और लड़कियों से आज के टाइम पे आप कम्पीट कर नहीं सकते क्योंकि लड़कियां पैदा हो रही हैं डेलिकेट सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंट है, और लौंडे पैदा हो रहे हैं लुच्चे। ये पेंशन लफंगी कर रहा है यार ये तो है। आप देखो लड़की जब पैदा होती है तो डॉक्टर तौलिए में लपेट के लाता है कि बहन जी अगर अच्छा डॉक्टर हो, इन चार चूतियों के सामने कुछ और डॉक्टर बैठे होंगे, डॉक्टर तौलिए में लपेट के लाता है कि बहन जी ध्यान से लक्ष्मी हुई है प्लीज ध्यान से पकड़िएगा, ध्यान जब तक पकड़ा नहीं देता पूछता रहता है। लौंडों को तौलिया तो पैदा होता ही नसीब नहीं है, यूं खींचता है डॉक्टर, यूं दोनों टांगों से नंगा पकड़ा हुआ,
और ग्राउंड पे मारता हूँ कि चल पे आगे चल, चल तुझे आगे चल के फेमिनिज्म सीखना चल। फेमिनिज्म, ओह माय गॉड। मैंने जिंदगी में कोई लड़की नहीं देखी जो 500 सब्जेक्ट में स्कूल में फेल हो जाती हो। पी ही नहीं, लौंडे हमारे साथ ऐसे ऐसे थे कानपुर में, बाई गॉड 500 सब्जेक्ट में तो उनका बनता था फेल होना, उसके अलावा ड्रॉइंग क्राफ्ट, ये उल्लू के पट्टे इन्वायरमेंटल स्टडीज में फेल हो रहे हैं, इन हराम जादों से पेड़ की फोटो नहीं पहचानी जा रही। मेरे साथ का एक लौंडा पेड़ के नीचे कैट लिख के आ गया और टीचर से बकचोदी कर रहा, टीचर कह रही बिल्ली क्या कर रही पेड़ के नीचे, कह रहा छांव में बैठी तुम्हें दिक्कत है। यार मैं तो अभी नहीं देखता था। इतनी महंगाई बढ़ रही थी, मेरे बाप परेशान थे, मैंने कहा गुजराल साहब तुमने इतनी महंगाई में चार बच्चे क्यों कर लिए, तो मेरे बाप कह रहे ऐसा है जब हम कर रहे थे तब इतनी महंगाई नहीं थी। मैंने कहा अच्छा सेंसेक्स की उछाल के हिसाब से हमारे घर पे मूड बन रहा था कि भाग्यवान सुनती हो आज गोल्ड का रेट बहुत डाउन है। मैंने कहा आपने सही नहीं किया चार बच्चे करके, कह रहे तुम्हारी वजह से ये तीन बहनें पैदा हुई हैं तुम्हें लाने वो भी इस पे आ गए, मेरी वजह से, मैं तो था भी नहीं मार्केट में, मैं तो खुद बहुत लेट पहुंचा मार्केट में, एंजॉयमेंट का सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल दिया। मैंने कहा मेरी क्या गलती है, पापा कह रहे तुम पहले आ जाते तो ये तीन तो ना होती, पहले आ जाते कोई जोड़ता के अंदर छुप के बैठा हुआ था, या पेट के अंदर कोई स्पर्मों की रेस चल रही थी जिसमें मैं जो बहनों वाले तेज भाग रहे थे हम जानबूझ के लंगड़ा रहे थे। आप बाहर से बुलाते आ जाओ, मैं अंदर से मना कर रहा था नहीं मेरा मन नहीं है, पहले किसी से कहो अंदर पिज्जा दे के जाए। मेरी क्या गलती है, कह रहे हर आज तो बाप से जवान लड़ा रहा है लेकिन बचपन में मनते मांगी है तब जाके तू पैदा हुआ है, और मुझे बचपन में लगने लगा था कि हम सब मंतों से ही आ रहे हैं, शाम को मन्नत मांगी सुबह बच्चा डिलीवर, लेकिन अब बड़े हो गए पता लग गया है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कोई चीज है, तो अब हमारे बाप हमें डांट नहीं सकते क्योंकि वो कभी भी डांटते ना कि हर बाप से जवान मत लड़ा बेटा, बचपन में मनते मांगी है तब जाके तू पैदा, मैं बीच में ही रोक देता हूँ कि पापा माफ करना लेकिन उसे मन्नत नहीं कह दो। और अगर कहते हैं तो आपने फिर उस दिन मुझे इतनी तेज चाटा के मारा जब आपने मुझे रंगे हाथों मनते मांग के पकड़ लिया था। आप लोग विश्वास नहीं करोगे मेरे बाप बीच मन्नत याद में कान पकड़े उठा दी, मेरी मन्नत भी पूरी होने दी। लोग कहते हैं आप तीन महीनों के बाद पैदा होते हो तो आप घर के लाडले होते हो, कोई लाडले नहीं होते, सिर्फ हैरेसमेंट होता है लड़कों का। हाँ सही बता रहा हूँ, सिर्फ हैरेसमेंट होता है। इतना ज्यादा हुआ मेरा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए 5-6 साल की उम्र तक लड़कों वाले कपड़े तक नहीं खरीदे। मैं जब भी कहता था मम्मी कपड़े तो कहती थी ये बहनों की फ्रॉक है पहन के चलो, तो मैं कहता था ये तो कहती थी हाँ अभी कौन सा पता लग रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा लड़की है लड़का, बेच दे क्या। लड़कों का आत्म सम्मान कोई चीज नहीं होती, नहीं, नहीं भाई कुछ नहीं होता। पिंक फ्रॉक में कैसी डॉल जैसी लगती, वो सुंदर थी लगती थी, मैंने पहली बार पिंक फ्रॉक पहनी मैं बैंचो से डॉल लग रहा था। ऐसे बेबुनियादी सा बच्चा नहीं होता कि ऐसे मंजरे हाथ में डाल छोड़ दो कि ठां बजे जमीन पे, या लाडला बच्चा था यार ऐसे नहीं करना चाहिए था। आते तो नृत्य होता है ना, और मैं छोटा था मैं बगल में फ्रॉक पहन के बैठा रहता था, तो एक दिन मास्टर जी ऐसे करते करते बिदक गए, मेरी मम्मी से कह रही है चौथी वाली को क्यों नहीं डांस सिखाती हो, ये पूरा दिन यहाँ कोने में बैठ के लॉलीपॉप चूसती है। तो मेरी माँ ने मुझे डिफेंड पता कैसे किया, कह रहे नहीं नहीं मास्टर जी आप गलत समझ रहे हैं, आपको गलत लग रहा है मेरी फ्रॉक उठा दी है तो लड़का है। ये वो वाली बात होगी ट्रॉलर उतार दिया, ये कोई तरीका घर के इकलौते बेटे को इंट्रोड्यूस करने का। इसीलिए बचपन में नंगे पैर मंदिर जाते थे कि बेटे को ही नंगा कर दो, तो मास्टर जी ऐसे 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 कर रहे थे ऐसे रह गए। पता नहीं कुतुब मीनार दिख गया था हमको क्या हुआ, कुतुब मीनार दिख गया भाई, पता क्या हुआ था, वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लाइफ में लगने लगा था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का ये तरीका है कि जैसे ही बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो माय नेम इज हर गुजराल। हाँ क्योंकि मैं स्कूल गया, स्कूल में हमारे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था और माँ ने मेरी सिंड्रेला बना के भेजा, और टीचर कह रही सब बच्चे जब एक एक करके स्टेज पे आएंगे तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, मैंने कहा ते बताओ बता दी टीचर सबके सामने, कह रही तुमको नहीं आता, मैंने कहा बिल्कुल आता है।
कह रही एक बार करके दिखाओगे? मैंने कहा माई नेम इज हर्ष गुजराल। मैं जो टीचर ही हो गई कुतुब मीनार की फीमेल थी। अल्लाहू अकबर। ओह माय गॉड। और ये बोली भी लड़की है। ओए यार यार की कह रहे ने। अब करवा भाई इंट्रोड्यूस अपने आप को। अब क्यों भाग रहा है? काफी भरी हुई औरत थी। क्या गारंटी है कुतुब मीनार हो? हैं? क्या गारंटी है कुतुब मीनार हो? ओह वो कह रही है क्या गारंटी के तुम लड़का हो? राजपाल यादव चल रहा है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तो खीर कर दिया यार लड़की ने खीर की है। वैसे भी हम मुंबईयों से बात नहीं करते। मैंने इतनी बकचोद ऑडियंस कभी नहीं देखी है। ये पहला शो है जो औरतें बकचोद आ रखी है। भाई साहब आप तो सच में लग गए आपका। किस्मत को कह रहा है ना, कह रहा है हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है। मुझे फ्रॉक पहन के क्रिकेट खेलने भेज देते थे ये लोग। लो जी, पर यूपी के लड़के इतने हरामी है ना। मैं जैसे ही पहुंचता था मैदान में कहते थे विकेट कीपर बनो। मैं बात समझ गया हूँ सारी। बड़े विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन के मैं यूं बैठा हूँ। वो भागता हुआ बॉलर आ रहा है वो रुक जा रहा है हमसे गेंद नहीं डाली जा रही भाई। अंपायर यू की जगह यू खड़ा किया आउट है। मैं तो कह रहा हूँ इन ने भाई माफी दे दे बस का था। मैं कह रहा हूँ अंपायर से मैं बैटिंग करूंगा या बॉलिंग, कह रहे तुम नाचोगी। करोगी तुम आपकी तीन छोड़ो आपकी एक भी बहन हो आपके ऊपर प्रेशर होता है। एक भी बहन हो मैं आपको बता रहा हूँ मैं बचपन में 1 रुपया मांगता था चिंगम खाने के लिए। मेरी माँ कहती थी हर्ष बेटा बहनों की शादी करनी बेटा पैसे बचाओ दहेज कट्टा। मैं सोचता था कौन से लड़के वाले हैं जो दहेज में बूम बूम बूमर मांग रहे। ये कौन चूतिया दूल्हा है जो मेरी बहन को हेल्प लेने के चक्कर में रिजेक्ट कर जा रहा है यार। ये तो किसी को भी नहीं छोड़ रहा, अपनी बहनों ही को नहीं छोड़ रहा। हमने करी फिर बहनों की शादी, हमने तीनों कर दी। हम खुद ही इतना परेशान हो गए थे, बहुत परेशान हो जाते थे। मुझे लगता था वो सुंदर बहुत है, मैं सांवला सा हूँ। एक दिन मैं कमरे में घुसा, लॉक लगा, इनका मेकअप बॉक्स खोला, अंदर से क्रीम लगा के रगड़ लिया। मैंने कहा आज कोरा होके ही निकलूंगा। मैं बाहर निकला मुंह धोया बहन जो ये और ये दोनों गायब। शीशे में मैंने देखा मेरी ऐसी चीख निकल गई। मैं वो नॉर्मल चीख नहीं थी, डॉक्टर बुला के यहाँ चीरा मरवा के रुकवाइए। कोई ऑप्शन नहीं, मम्मी मुझे लोकल पार्लर लेगी। उसने मेरे यहाँ स्केच पेन से बना दी बहन। और गर्मियों में स्कूल में बैठे ये बह रही हैं। टीचर कह रही हर्ष बेटा तुम्हारी आईब्रोज कहाँ जा रही है? मैंने कहा सैर करने निकली है तो परेशान वापस आ जाएगी, तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो। हमने इसीलिए शादी कर दी। और हम हमारे बाप कहते तुम्हारी भी शादी करनी, तुम बड़े हो गए ये वो। हमने कहा नहीं करनी शादी मेरे को। कह रही नहीं, मेरा एक दोस्त है उसकी बेटी ने तुम्हें पसंद कर लिया। कह रही मुझे चाहिए सस्ता विकी कौशल। मैं नहीं करूँगा, मेरे दिमाग में आइडिया ना, इनको मना कैसे करूँगा। वो देखने आने वाले थे शाम को, पूरी रात मैंने सोचा, सुबह मेरे को आइडिया है। मैंने मार्केट से अपने लिए एक फ्रॉक खरीदी। तो होने वाले समधी जी और उनकी बेटी बाहर बैठ कर रसगुल्ला खा रहे थे, मैं अंदर हल्का हल्का टचअप ले रहा था। समधी जी ने बोला कि गुजराल साहब मुँह दिखाई का टाइम हो गया, बेटे को बुलाइए। जब मैं बाहर आया उन्होंने मुझे देखा, समधी जी के मुँह से रस अलग, भैंचो गुल्ला अलग, बेटी उनकी जमीन पे फटी हालत में। संदीप जी ने बोला कि गुजराल साहब ये कौन है? मैंने कहा पापा एक मिनट मैं बताऊंगा। माय नेम इज हर्ष गुजराल। बड़े हैवी ड्राइवर हो तुम, इमेजिन कर रहे हो क्या मेरे को ऐसे? यार तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी मेरा सोच सोच के? तो
तो मुझे डीएम कर, मैं फोटो भेजूंगा। उसके बाद तुझे रात को ऐसे डीएम करो, हमके भी ले रहे हमको बताइए क्या करता है दोस्त। स्टूडेंट हूँ, बीबीए, लौंडा हमारे साथ बीबीए कर रहा, उसको नींद नहीं आ रही, क्या करना चाहिए? बीटेक कर ले। अच्छा इसकी बीटेक वाली वीडियो है, इस पे उसका टॉपिक है। आवाम बड़ा एंजॉय कर रही है, ऑडियंस बहुत एंजॉय कर रही है। पीछे वालों असली बच्चो तुम हो। बहुत बढ़िया, बीटेक कर ले बेटा, मतलब बाप का पैसा दोबारा बर्बाद कर। बहुत पैसा है बाप के पास, अंधा पैसा है बाप के पास। एज कितनी है तेरी, एज कितनी है तेरी? 19 साल, अंधा पैसा पापा के पास। लमसम 19 साल में कितना खर्चा किया होगा तेरे ऊपर? फिर आइडिया कुछ भी, 1 करोड़ रुपए। 19 साल पहले ही 5 रुपए यूज कर लेते हैं। जिसने भी सजेस्ट किया था ना ब्रो, थैंक यू सो मच। वो बंदा कमाल था, वो बंदा कमाल था। मैंने पहले इतनी कॉमेडी देखी नहीं है कभी, इतना खुल के मैं कभी हंसा भी नहीं हूँ। और सबसे जो बड़ी बात मुझे नजर आई है ना, बंदा किसी को कहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माय नेम इज दानियल अली फ्रॉम माय ये वो फ्ला फ्ला फ्ला, वो कहता है हां अपने आप इंट्रोड्यूस करो, कहता है ये नहीं। आई एम हर्ष गुजराल। अच्छा मतलब मुझे वो सारे जोक्स अच्छे थे, उसके बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जो जोक्स करता है ना क्राउड पे ब्रो, चुप करवा देता है वो। लेकिन वो लड़की ने चुप करवाया, हां लेकिन उसके अंदर भी बड़ा ना वो हाजिर दिमाग है, फौरन उसको जवाब आता है। हां विद अ सिंगल वर्ड उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा इंट्रोड्यूस, ओह माय गॉड, उसकी वहीं पे उसने कहा इसको क्या है, एक वर्ड उसने यूज किया इंट्रोड्यूस। अब मैं क्या बोलूं? तो वो जो बात कर रहा था ना, लड़कों ने कोविड में ऐसे इंजेक्शन लगवाए वैसे लगवाए, वो एक फिर मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। आपने कहना स्टोरियां बढ़िया सुनाता है, मुझे सर रियल में ऐसे ना एक्सपीरियंस हुए हैं। मेरे एक लड़की थी, दोस्त थी, उसने कहा कि मैं ना कोविड से, जब कोविड आया हुआ था तो मैं वैक्सीन से बड़ा डर रही हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ। बड़ी पाकिस्तान में कहानियां चल रही थी। मैंने कहा चले मैं कोई ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। मैं एक लड़की को साथ ले गया, तो मैंने कहा आप ना मास्क लगा लेना, और मैंने गलत नाम बता दिया, उसकी रजिस्ट्रेशन करवा दी। मैंने उसे ये सारा समझाया था कि आपने ना रजिस्ट्रेशन जब करवा लेंगे ना तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, हम वो वैक्सीन लगवाएंगे नहीं और वहाँ से भाग जाएंगे, दूसरी तरफ से भाग जाएंगे। और उस लड़की ने 8 दिन पहले वैक्सीन लगवाई थी, एक डोज उसने लगवा ली थी। उसके बाद ना चले गए वो, हम लोग पकड़े गए, निकलने लगे पकड़े, कहते हाँ जी किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा जा रहे हैं, बड़े बहाने मारे, लेकिन नहीं, वो अब लड़की को उन्होंने बिठा लिया, अब लगेगी। और उन्होंने कहा जी लगनी है, वो ऐसे देखे दानियाल, दानियाल तुमने मुझे किस जहन्नुम में डाल दिया है। अब वो एक पुलिस वाला भी ऊपर खड़ा हुआ है। हाँ। उन्होंने क्या कहा, तुम लोगों ने कोई 2 नंबर किए तो सीधा जेल जाओगे। हाँ। अब मैं उसे कह रहा हूँ कूल हो जा, दानियाल बच जाऊंगी, दानियाल बच। उसके यकीन करें मैंने हाथ देखे फुल ठंडे। उस बंदी के अंदर इतनी हिम्मत है, मैं उसको आज भी सलाम पेश करता हूँ, उसने 8 दिन के अंदर अंदर दूसरी वैक्सीन लगवा ली। वैक्सीन लगवा ली उस बंदी ने। और मैं कहता ये ना कि मर मुझ जाए तो मेरे पेट में पड़ जाए। लेकिन यार वैसे ये सब बहुत ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन थी, डिस इन्फॉर्मेशन कह लो, कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था कि वैक्सीन लगवाने से लोगों ने, बड़े लोगों ने, मैंने लगवाई भी है, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट नहीं नजर आ रहा, मैंने खुद 2 लगवाई हुई है। हाँ तो ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा आप बात कर रहे थे ना वीडियो में, दानियाल ने पहली बार हर्ष गुजराल को देखा, दानियाल भी लाइक पागल हो गया, बहनों को नहीं छोड़ रहा यार, ये माँ को नहीं छोड़ा, ये बाप उसने अपने बहनोई को नहीं छोड़ा, और उसका रिश्ता देखने के लिए आए हुए हैं। और लड़के पता है, मैं खुद लड़का हूँ, बंदा बड़ा डिसेंट होकर जाता है, बंदा कहता है, बंदा कहता है यार मेरा इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़े, उसने क्या किया जिसने फ्रॉक पहन ली ये वो, और अपने वो बाप को दिखा रखे और माँ को दिखा रखे, भाई जो तुम लोगों ने मेरे साथ सारी जिंदगी किया है ना आज उसका भुगतो। लेकिन वो ये इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि उसको रिजेक्शन मिले, अगर रिजेक्शन ऐसे लेनी थी, लड़की उसकी पसंद की होती तो सोचो कि वो विकी कौशल बन के जाता, जब वो कहते हैं ना आई एम द लाइट विकी कौशल, विकी कौशल बन के जाता और लड़की को इम्प्रेस करता, तो ये किसी को नहीं छोड़ता। लाइक इसने, मैंने इसके एक वीडियो देखी, दादी अपनी दादी पे मजाक, नानी पे मजाक, मेरी दादी मरने वाली थी, ये हो गया ये हो गया ये हो गया,
ये मतलब मरने मराने पे भी जोक्स कर देता है. ऑन द अदर एंड ना इसकी अभी वीडियो हमने देखी जवेरी और मैंने बस्सी के साथ. बस्सी एक ऐसा है वो बिल्कुल ना 18 प्लस जोक नहीं करता, वो बिल्कुल नॉर्मल जोक करता है, बुरे वर्ड नहीं यूज करता, वल्गर लैंग्वेज नहीं यूज करता. तो ना ये उसके साथ था, ये आपको समझ आ गई होगी ये कैसा है. ये नहीं, 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 ये, ये बंदा खुल के बात करने वाला है. खुल के बात की और असल चीज ये होती है कि आप ऑडियंस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो. आप जब ऑडियंस के साथ बात कर रहे होते हो, ऑडियंस को आप रिस्पॉन्स दे रही होती हो ना, तो ऑडियंस को ज्यादा मजा आता है. तो वो चाह क्या रहा है, यही चाह रहा है कि ऑडियंस मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े. अब देखिए मैंने फर्स्ट टाइम उसकी वीडियो देखी है, मुझे इतना मजा आया है, तो अब नेक्स्ट मैं जो साइड पे हो जाऊंगा, मैंने उसकी चैनल पे उसके चैनल पे जाना है तो उसकी वीडियो देखनी है. यही चीज होती है, सजेशन होती है कि जब आप किसी की कोई चीज देखते अच्छी लगती है, ऐसे ही जो लोग वहां पे आके उसके सामने बैठे हुए थे उन लोगों ने भी खुल के इंजॉय किया. खुल के इंजॉय बना तब कहता है जब आप उस पर बात कर रहे हो. हाँ. उन्होंने उस पर जोक मारे हैं, आप ये करो वो करो ऐसे करो, तो वो उस चीज पे कभी कभी चुप हो जाता था. कभी कभी उसने ऐसी ऐसी आगे से बातें की है कि अगला बंदा चुप होने पर मजबूर हो जाए. तो यही कॉमेडी होती है. मैं समझता हूँ जो कॉमेडियन होते हैं ना वो एक नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर आजकल डिप्रेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, जिस वजह से लोग पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं. तो एक जब कॉमेडियन आपकी आपको कॉमेडी करके दिखाता है, आपको हंसाता है, तो आप कुछ देर के लिए, हर टाइम नहीं मैं कह रहा, कुछ देर के लिए बंदा फुल रिलैक्स हो जाए. अभी जो आप 8-10 मिनट की मैंने वीडियो देखी है, मेरे माइंड में कोई टेंशन कोई कुछ नहीं था. मैं ये था कि मैं इसको देख देख के इंजॉय करी जा रहा हूँ, इंजॉय करी जा रहा हूँ. तो जिस बंदे ने ये सजेशन दी है आप लोगों को और आप लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप आके ये देखें, तो मैं उस बंदे का भी थैंक यू अदा करूँगा आप लोगों का. बाकी आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसे वीडियो सजेस्ट करते रहा करें, और हम देखते रहेंगे. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन. टेक केयर.